देखिए, पिछले समयों से काफी बड़े पैमाने पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है वो देश देख रहा है। ठीक है, सत्ता में हैं और बड़े बहुमत पर हैं, इसलिए उनकी बात आज कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सही बात को कहने में मुझे नहीं लगता कि कोई गुरेज है। ये वास्तविक बात है, तेजस्वी जी ने जिस दृढ़ता के साथ, जिस विश्वास के साथ, मजबूती से बिहार की जनता के बीच में महागठबंधन के रूप में एक सशक्त उम्मीदवार थे और जीते हुए चुनाव को, जैसा कि वहाँ के लोगों द्वारा, तमाम सोशल मीडिया पर मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि 4, 5, 50, 15, 17, 18, 20, 40, 100 वोटों के अंतर में बहुत सारे प्रत्याशियों को जानबूझ के हरा कर और दूसरे जो सरकार के दल थे उनको प्रमाण पत्र देना, ये क्या साबित करता है? तेजस्वी हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक हुआ है, समय की बात है, वक्त से किसकी रिश्तेदारी है, और आने वाले समय में जनता जरूर एहसास करा देगी और बता देगी। और एक अच्छा नेता देश को मिला है, भरोसा और विश्वास है कि वो अपने दम पर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।